श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति ही लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में आठवें स्थान में रहेंगे। इस जगह पर चंद्रमा का होना ठीक नहीं होता है। इस समय में आपको कई मामलों में तकलीफें उठानी पड़ सकती है, लेकिन कुछ मामलों में सफलता भी इस दिन देखने को मिलेगी। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से इस दिन आपका मन परेशान रह सकता है, चिंतित रह सकता है। आप किसी पुरानी उलझन में उलझे नजर आओगे। इस समय में आप इमोशनली काफी वीक रहोगे। किसी से भी मनमुटाव बड़ी आसानी से हो सकता है। इस समय में आपको लड़ाई झगड़ों से बचना होगा, पारिवारिक कलह-क्लेश से बचना होगा। इसलिए आज आप शांत रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। पैसों का लेन देन करना इस दिन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से धन प्राप्ति के योग अष्टम भाव आपको दे रहा है। इस समय में आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी काफी जरूरी रहेगी। इस समय में यात्राएं भी संभल कर करनी होगी। इस समय में सेहत से संबंधित परेशानी भी घेर सकती है। सिर में दर्द रह सकता है, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी। इस समय में अगर बीपी की परेशानी है तो अपना खास ख्याल जरूर रखें, अपने मेडिकेशन का अच्छे से ध्यान रखें और अपने खाने पीने का ध्यान इस दिन आपके लिए रखना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन कुछ खास नहीं रहेगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई रुकावट आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आज अगर आप चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाते हो तो आप शांत रहोगे, आपका मन शांत रहेगा, दिन काफी अच्छा जाने की संभावना रहेगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव रिलेशनशिप में आपको इस दिन अपनी बोली पर नियंत्रण रखना काफी जरूरी रहेगा। इस दिन आपको तोल मोल कर बोलना अच्छा रहेगा और एक दूसरे की गलतियों को इस दिन नजरअंदाज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप कोई बड़ा अहम फैसला ना ले, थोड़ा रुक जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आपको विदेश से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। विदेश सेटलमेंट के भी योग अष्टम भाव आपको जरूर देता है। दोस्तों, इस दिन ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।